और पतिराम भाई क्या हाल है? भैया बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है? बहुत बुरा हाल है। क्या हुआ भाई? भैया परिवार से एकदम बहुत तंग आ चुके हैं। यार देखिए, इस समय सबके ऊपर कोई ना कोई समस्या आई ही है, ठीक है। अब ये जान लीजिए, ना मेरा बिजनेस कोई चल रहा है, ठीक, और ना ही कहीं से दो पैसा आने का कोई साधन है, ना कहीं इतनी बेरोजगारी है ना, ये जान लीजिए कि पूरा दिमाग खराब हो गया है। आए दिन बच्चे ये चाहिए हमको, वो चाहिए, घर में ये नहीं है, वो नहीं है, कमाई कहीं से भी नहीं हो रहा है। यार कैसे मैनेज किया जाए, एकदम मैं तो एकदम पागल हो चुका हूँ। ये जान लीजिए, आत्मा कह रही ना, जहर खा ले मर जाए, बहुत ज्यादा इधर उधर हम लोग बहुत ज्यादा भाग दौड़ किए यार, लेकिन कहीं से भी तो कुछ मिलना चाहिए यार। बताइए, अब आप ही बताइए, जैसे बिजनेस चला गया, बिजनेस भी लोग चला जा रहा है, और बोलने के लिए कि नया साल आ गया, नया साल आ गया, उसमें अपनी लाइफ यार नई कुछ हो ही नहीं रही है, वो इसे पीछे और पुराना होता चला जा रहा है, नया साल और लाइफ पुरानी, एकदम तंग आ चुके हैं भाई। क्या करें यार, दिमाग एकदम मेरा काम नहीं, वैसे ही हमारा हाल है भाई साहब। कैप्टन दीजिए। थैंक यू थैंक यू। माचिस दीजिएगा भैया। थैंक यू दीजिए। बहुत यार दिमाग हफ्ते थे, क्या किया जाए, यही है। जान लीजिए ना, आत्मा तो ये कह रही है कि आज अगर पैसा होता जेब में ना, बहुत ज़्यादा पीता, बहुत ज़्यादा पी के ही मर जाता मैं आज। ये जान लीजिए, पहले सिगरेट पीजिए, उसके बाद बहुत एकदम मैं पागल हो चुका हूँ यार, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्या करें आखिर, क्या करें? मैं भी परिवार के बारे में पागल हो चुका हूँ। बताइए क्या करें, यही सब है सोचा जा रहा है। क्या बताया जाए भाई साहब, एकदम बहुत ज़्यादा अपसेट है। अभी घर की बात बताएं, एक जगह में हेलो और भाई कहाँ हो? पान भंडार पे हैं। क्या हुआ? सर भैया ऐसे है, जिंदगी एकदम ठंड हो गई है, क्या बताएं, ऐसे बैठ के सिगरेट उगरेट पी रहे हैं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बताएं भैया, एकदम दिमाग खराब हो गया है, कहीं एक रुपया आ नहीं रहा है, और परिवार का प्रेशर और सारी चीज़ें, मतलब खेती का प्रेशर, समस्या बहुत बड़ी है भैया। यही मन कर रहा ना कि कोई अगर जहर दे देता, कदम से खा देते और मर जाते। ये सब क्या सोच रहे, सब गलत बात है यार, आत्महत्या करना बहुत बुरी बात है। इतना परेशान हो गया, फंस गया क्या? भैया भैया बहुत परेशान है, परिवार से बहुत तंग आ चुके हैं, यही मन कहता है जहर वहर खाकर मर जाए। इतना परेशान हो गया, फंस गया क्या? भैया ऐसी बात हो गई, परिवार से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है। चलो आओ मेरे पास आओ भैया। इस समय एक रुपया जेब में नहीं है, बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, कहीं तो कोई साधन नहीं मिल पा रहा भैया। ये जान लीजिए, जहाँ काम भी अगर किया जाता है तो वहाँ से भी पैसा 2-3 दिन, 1-15 दिन ऐसे रखा दे रहे हैं, क्या बताएं भैया, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब हो गया। आओ हम सारी समस्या का समाधान कर देंगे। अच्छा अच्छा ठीक ठीक भैया आ रहे हैं। चलिए देखिए कुछ बताएंगे क्या।
अरे भाई कहाँ हो? जो मंगवाए तो उसको लेके आओ भाई लोग। देख भाई पैसे की कमी, तेरे को जितना पीना उतना पिलाओ ठीक है, लेकिन कभी सोचा है तुमने कि आज हम दारू पिएंगे कल क्या होगा? कल को तेरे को दारू पिएगा। देख भाई मैं पीता नहीं लेकिन तेरे को पिला रहा, जितना पीना उतना पियो जी भर के ठीक है, आज जितना मन करता उतना है इसको। वाह भाई वाह भाई, मौज मस्ती हो रही है। कैसे हो अनुज भाई? किराया तो है मेरा, किया किराया है जी जी, लेकिन इसमें पूरा पूरा सपोर्ट तुम्हारा है भाई। और भाइयों कैसे हो? ठीक है भैया, खूब दारू पार्टी चल रही है, नई पार्टी मन रही है। क्या करें भैया ये बताइए, हमारे पास पूरे परिवार की समस्या है, क्या करें, परिवार को ऋण में फंसा हुआ है। हाँ क्यों नहीं पियो? ये बात तो सही है तब, लेकिन पारिवारिक समस्याओं से निपटने का एक ही साधन है दारू। क्या करूँ दारू न होता जहर पी लिया होता। जहर पी लिया होते? हाँ हाँ, क्यों भाई ये सही है? क्या बताएं भैया, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तमाम प्रकार की समस्या है, इधर बच्चों की पढ़ाई, इधर घर का खर्चा, और एक रुपया इधर का कोई स्रोत है नहीं भैया, एकदम बहुत उलझन में थे। सुसाइड करने का मतलब आत्महत्या आज हम करने वाले थे। आत्महत्या हम ये तो भाई साहब बुला लिया, हम यहाँ चले आए। क्या बताएं भैया, एकदम पागल हो चुके हैं, आप ही बताइए क्या करें हम। क्या करें बताइए, आप बताइए। बहुत बहुत मुसीबत में आज आत्महत्या कर ली होती। वाह भाई वाह, क्या बात है क्या बात है। आत्महत्या, आत्महत्या कहना कितना आसान है, आत्महत्या कहना कितना आसान है, कर लिए होते, लेकिन कभी सोचा आप लोगों ने? कभी सोचा कि आत्महत्या जब हम कर लेंगे तो हमारे पीछे हमारे जन्मदाता, हमारे माँ बाप, या जिसको ब्याह करके लाए हैं, या जो आपके पीछे आपके बच्चे के रूप में आए हैं, उनका क्या होगा? आत्महत्या करके क्या आप अपने को बना लेंगे? ऐसा सोचा? फिर क्यों आत्महत्या के लिए सोचे? क्यों नहीं आज की न्यू जनरेशन ये समझती है? क्यों नहीं समझ पाते हो यार? तुम लोगों को समझ में नहीं आता? मेरी बात हुई अनुज भाई से, अनुज ने कहा कि दो बंदे ऐसे बैठे हुए हैं पार्टी स्टॉल पे, जिन लोगों ने ये प्लान बना रखी है कि आज हम आत्महत्या करेंगे। हमने कहा अनुज भाई आज उनको गियर में लो, किसी भी ढंग से बहला फुसला करके अपने स्पॉट तक बुलाओ और मुझे, मैं आता हूँ, मुझे टाइम दो। ये सारी देन भाई की है और भाई की मैं भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ। अगर आज ये भाई नहीं होता तो मुझे पता है कि आज इस धरती पर से दो युवा और जाते। इसमें भाई का बहुत सहयोग, मेरा क्या भाई, मैं तो आज चला जाऊंगा आप लोगों को समझा के, लेकिन इसके बाद समझ में बात आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आनी चाहिए, आनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। समस्याएं किसके सामने नहीं है? समस्याएं मेरे सामने नहीं है, या मेरे सामने आती नहीं है, या मैं समस्याओं को जूझ करके मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। समस्याओं से लड़ने की आदत डालिए, समस्याओं से भागने की आदत मत डालिए। ये देखिए, ये अजय जी, इनके सामने समस्याएं नहीं आई क्यों अजय भाई? आज भैया न होते तो आज हमारा हाल बहुत खराब होता। मुकेश भैया, अनिल भैया और उजला स्टूडियो वाले सोनू भैया, सोनू शर्मा भैया, आज वो नहीं होते तो आज हमें सिंगिंग का क्या होता है ये पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बहुत परेशान थे कि हम कैसे सीखे गाना, कैसे गाया जाता है। सुनो, कान खोल के सुनो, ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है? आज हम लोग अगर नहीं रहे होते, बहुत समस्याओं में था भाई, सिंगिंग गाने की आदत थी, हॉबी थी, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। लेकिन आशीष शर्मा, सोनू भाई, दोदाच स्टूडियो वाले ने इनको जो है प्लेटफॉर्म दिया, आज सिंगर, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि स्टार बन गए, लेकिन आज 10 लोगों में इनकी पॉपुलरिटी है, 100 लोगों में है, 1000 लोग जान रहे हैं, आज बंदा सिंगर के रूप में जाना जा रहा है। कल क्या होता? आज आत्महत्या करते, कल बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छप जाते आप लोग कि फला ने आत्महत्या कर ली। उस आत्महत्या के पीछे कहानी बनाई जाती है, लड़की का मामला, कोई मामला जरूर रहा होगा, गलत रहा होगा, कहीं से कुछ घपला किया रहा होगा, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि आपने किस मजबूरी में आत्महत्या की।
जिंदगी भर के लिए अपनी संतानों के ऊपर एक काली पोत करके जाते, वो बेचारे जिंदगी में जब कोई पूछता यार तुम्हारा बाप आत्महत्या क्यों किया, तो वो जवाब नहीं होता। लोग यही बोलते उससे, तुम्हारा बाप आवारा था, लफंगा था, किसी लड़की के चक्कर में आत्महत्या किया। तब क्या बताते, बताने के लिए आते तुम अपने माँ बाप का कर्ज उतार पाते हा? अपने माँ बेटों और परिवार को क्या देखते? एक बात याद रखो, जितना समस्या का समाधान आप दारू में ढूंढ रहे हो, उस समस्या का समाधान आप अपने में ढूंढ रहे हो। आप दारू की नशा छोड़ करके अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपने कर्म से नशा करना सीखो। आप दारू की नशा छोड़ करके अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना सीखो। आज एक कदम चलोगे तो तुम्हारे साथ दो कदम चलने वाला और चलाने वाला कोई कोई बंदा मिल ही जाएगा। आज से ये संकल्प लो कि न तो हम नशा करेंगे, न तो आज की नई पीढ़ी जनरेशन को नशा करने देंगे, क्योंकि मुझे नशा मुक्त समाज बनाना है। मत भटको और मत भटकने दो किसी को, ले आओ अपनी तरफ खींच के ले आओ, एक नए युग का निर्माण करो, युवाओं को प्रेरित करो कि न नशा करो न करने दो। खुद ना संभलने की बात हो तो हम जैसे उनको याद करो, हम लोग मौके पे पहुंचेंगे और इस पर रोक लगाएंगे, समझाएंगे, जिस हाल में जैसे भी रहेगा हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भाइयों, जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, इस जीवन को अगर आप खो दोगे तो दोबारा जीवन नहीं मिलेगा, और कलंक माँ बाप के माथे पर भी लगेगा, संतान पर भी लगेगा, बीवी पे भी लगेगा। तो इसी बात पे आज हमारे सामने यह संकल्प लो कि हम आज से बात कान पकड़ते हैं, नशा नहीं करेंगे न तो करने देंगे। संकल्प लेते हैं कि आज के बाद नशा नहीं करेंगे, कान पकड़ते हैं। चलिए भैया जी, आप महान हैं जो आज हमको बहुत बड़ी बात बता दी। हमारा यही प्रयास रहेगा आने वाली जनरेशन को, मैं यही सीख दूंगा कि नशा ना करिए, नहीं तो आप नाश हो जाएंगे और कुछ जीवन में नहीं कर पाएंगे। मेरी तरह आप भी मरने के लिए सोचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात। आज से हम लोग सब लोग मिल करके ये संकल्प लेते हैं, आज हम तीन थे, पाँच हो गए, पाँच से पचास करना है, पचास से पचास लाख कर देना है। न नशा करेंगे न करने देंगे, नहीं करने देंगे। क्या बात है। हाय गाइस, ये हमारी टीम है। आज नशा उन्मूलन को लेकर के हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया, शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमको कमेंट बॉक्स में हमारे लिए कुछ सुझाव भेजते रहिएगा, कुछ अच्छी बातें, अच्छी प्रेरणा देते रहिएगा, ताकि हम लोग आगे फिर अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ, ये हमारे अजय केसरी भाई हैं जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, और ये हमारे अनुज भाई हैं जो हमारे DOP और एडिटर हैं। हम मुकेश अस्थाना, जैसा कि आप लोग जानते ही रहे हैं, ये राणा भाई हैं, और ये पतिराम जी हैं, ये लोग अम्बेडकर जिले से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने एक प्लानिंग की कि आज बिगड़ते परिस्थिति, बिगड़ती वहाँ के लिए कुछ करें, कुछ प्रयास करें। तो हमको, आप लोगों को लगेगा कि बहुत जिग जैक, बहुत रफली एक छोटा सा प्रयास किया गया है, नेक्स्ट टाइम से हम लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।